देख रहे हो आप, वो देखो 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 कैसे कैसे बीच में घुसे। पहले जब बजाज वगैरह के स्कूटर आया करते थे वो एक अलग दौर था। अब ऑन रोड कितना है ये? अब काटो हमारा चलान है। तो एक्चुअली मैं अपनी थार बेचने के बारे में, मतलब बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन एक चीज से मैं बड़ा खफा हूँ, मतलब टोयोटा वालों की ना। मेरा जो सफर। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम लगभग 9:30 हो रहे हैं, काफी मूसलाधार बारिश हो रही है। तो आज क्या है, भाई ने अपना फोन भी अपडेट करा है, तो आज देखते हैं हैंग होता है नहीं होता है। अपडेट तो कर दिया इसका, जो लेटेस्ट वाला आया था ना, भाई का ड्रीम है उस घर लेने का है अपने को, मतलब उस बिल्डिंग में अपने को फ्लैट लेने का है। ले पाएंगे कभी? आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। देख रहे हो भाई ने लेना कितना कुछ है। गाड़ी मैंने लेनी, बाइक मैंने लेनी, घर मैंने लेना। तो फिलहाल निकल रहे हैं रूम से बाहर। तो सुबह आपने बारिश देखी थी और अभी आप धूप देख रहे हो कि धूप भी उतनी ज्यादा और तेज है। प्लान ये था कि जिप्सी ही लेके जाना था मुझे आज, क्योंकि इसके जो हब्स हैं वो मैं सोच रहा था आज लगा देते हैं, क्योंकि क्लच व्लच का काम हो गया लगभग, जो इसका सारा काम है वो हो चुका है। लेकिन उवेश भाई को मैंने कॉल करा तो वो आज शायद कहीं बिजी है। फिट तो मतलब कहीं से भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वही करें फिट, इसलिए आज जिप्सी को हमने जो है ले जाना कैंसिल कर दिया। और मेरे को लग रहा है थोड़ा सा धूप की वजह से ह्यूमिड भी ज्यादा, वैसे उतना ह्यूमिड भी नहीं है, जा सकते हैं इसमें। अपना आईफोन है वो अपडेट कर दिया है, तो आज इसकी टेस्टिंग भी करनी है कि ये अटकता है नहीं अटकता। वैसे जब तक ये अटकेगा नहीं, जैसे अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जब तक ये अटकेगा नहीं तब तक मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बना हुआ है कि भाई नहीं अपना फोन ठीक हो गया। तो अगर ये एक बार भी अटक गया तो फिर इसका कुछ ना कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। और बाकी यहाँ आप देख रहे हो नदी नाले हमारे बिल्कुल बह गए हैं, बारिश इधर आती है जाती है, क्या करती है कोई समझ नहीं आती है। कल थार की वो आगे से ना एक, तो उसका कवर बना लेंगे, दोनों के कवर बना लेंगे। तो चलो निकलते हैं, करते हैं दिन की शुरुआत। पेड़ तो बिल्कुल रास्ते में ही गिर गया, ऊपर बिजली की तारें भी हैं। जाने दो आज ना, मतलब ज्यादा शूट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि ये अटके, पर जैसे अगर एक बारी भी अटक गया ना तो मेरे को बहुत ज्यादा इमोशनल डैमेज होगा। तो अगर नहीं अटका तो चलो फिर तो ठीक है। गाय माता बिल्कुल बीच रास्ते में है, क्या करें, अब छोटा छोटा हॉर्न मारते हैं। 12th में था तब मैंने ये गाना ना बहुत ज्यादा सुना है, मतलब उस टाइम का मेरा फेवरेट गाना था, तो ये इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हुए मेरे को मिल गया ऐसे ही। दिन ना भाई की भी एक रोड रेज की वीडियो बनेगी, जैसे मैं अभी इस साइड से जा रहा हूँ ना तो कोई आएगा अचानक से, अभी एक स्विफ्ट वाले भाई थे तो वो ना ओवरटेक कर रहे, फिर मैं ना क्या कि गाड़ी घुसा देता हूँ, तो फिर थार लग जाएगी कभी किसी के साथ। जब सब लाइन में चल रहे तो आपको भी लाइन में चलना चाहिए, इतनी भी क्या जल्दी है। अब ये जैसे आगे जाएंगे देख रहे हो आप, वो देखो 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 कैसे कैसे बीच में घुसे, दिस इज अनएथिकल। अभी मैं जा रहा हूँ अपने एक पुराने मित्र के पास। तो जी सामने हो गया कांड, ये एक्चुअली वो देख रहे हो आगे वैसे माइक्रा को डेंट पड़ा हुआ था, वो स्विफ्ट भिड़ गई उसके बीच में, अभी वो लगा रहे हैं। अब लड़ेंगे जो मर्जी करें, लेकिन भिड़ गई तो भिड़ गई, अब क्या करना। फिलहाल क्या है कि आ चुके हैं शोरूम के अंदर, तो शीशा काफी ज्यादा क्लियर था, तो मैंने सोचा इसी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पे अक्षय भाई, हाँ जी ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। तो भाई इन्हीं से मिलने हम आए थे, इतनी देर बाद मिलके कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। तो बाकी अभी हम बात कर रहे हैं बेनली की। अब यहाँ क्या है कि मैं अक्षय भाई से मिलने आया, लेकिन यहाँ जो मैंने बाइक्स देखी, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, जैसे अब क्या है कि मेरे पास हिमालयन थी उस टाइम की बात बड़ी अलग थी, अब जैसे हम बाइक, ये कौन सा मॉडल है? टीआर के में आ जाती है 502X, मतलब ये 502 सीसी की बाइक है। ये ना बड़ी है, अमाउंट और बजट भी हो तो भी मैं ये बाइक कभी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं बनी है। लेकिन यहाँ पे जैसे ये बाइक दिख रही है आपको, ये 250 सीसी है, एडवेंचर कैटेगरी की बाइक ही है। जो प्रेजेंस है, लुक्स है, वो आपको बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है। छोटी छोटी चीजें जैसे इसके लीवर्स हैं, ये एडजस्टेबल है। देन उसके बाद अगर हम इसकी की बात करें तो फ्लिप की आपको इसमें मिल जाती है, ये देखो, मतलब बाइक में भी फ्लिप की आती है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरे को दिखी है ना, वो है ये स्कूटी, स्कूटर, स्कूटर। और ये है 300 सीसी का, जी बिल्कुल 300 सीसी का ये स्कूटर है। और कितने BHP है? डिजाइन और लुक आप इसकी देखो, एक तो क्या कि जैसे आप दूर से ही देख रहे हो ना तो देखने में ही आपको ना बड़ा कुछ अलग सा और बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। पहले जब बजाज वगैरह के स्कूटर आया करते थे वो एक अलग दौर था, अब क्या है कि उस तरह के स्कूटर नहीं आते। और ये भी खैर वैसा गियर वाला तो नहीं होगा, नहीं नहीं। पीछे से आप इसकी ये टेल लाइट्स देख रहे हो, हाँ। जस्ट मैं यहाँ आया इनसे मिलने और मैंने ये चीज देखी, मैंने कहा यार ये है क्या चीज है। और कुछ फन फैक्ट इसके बारे में, लिक्विड कूल इंजन है, 10 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका। और इधर देखो फ्यूल टैंक है कहाँ पे, ये चीज देखो आप, हीटेड ग्रिप्स जैसे आप कह रहे थे पैटिंग वगैरह आ रही है, तो ये हीटेड ग्रिप्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है। यूएसबी चार्जिंग, मोबाइल वगैरह, क्या बात है। प्लस यहाँ पे आपको कुछ सामान वगैरह लगाना है, थैला वैला लटकाना पड़ जाता है भाई, इंडिया में तो सामान आपको कैरी करना ही है। ऑन रोड कितना है ये?
बस ये आप देख रहे हो, मतलब ऐसे नहीं सोचना स्कूटर है तो वो बात है, 3,70,000 का स्कूटर है ये भाई का ना। इसको देख के मैं बड़ा परेशान हुआ और मैं आपको ना अभी अपनी परेशानी के कारण बताता हूँ। जैसे आप इसे साइड से ऐसे बाइक को देख रहे हो ना, तो देखते ही आपको क्या लगता है, ये एक बहुत ही हैवी, बहुत ज्यादा पावरफुल सीसी वाली बाइक होने वाली है। डिजाइन आप इसका देख रहे हो, ये वी ट्विन इसका इंजन है, डबल एग्जॉस्ट है इसमें, 20 लीटर का इसका जो फ्यूल टैंक है वो है। फ्रंट लुक की अगर हम बात करें, ऑल LED सेटअप आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन ये बाइक है 250cc में कुछ इस तरह का डिजाइन। ये कीवे है, ये ब्रांड जो है ये भी बेंटली के अंडर ही आता है। तो आज देखो, जैसे हम अपने ना गाड़ी वाले टॉपिक से हटके आज मैंने आपको बाइक्स के बारे में भी काफी अच्छा खासा नॉलेज दिया है। तो भाई ये भी जरूरी रहता है, रोज एक एक चीज देख के आप भी बोर हो जाते हो और मैं भी वो चीजें शूट कर करके बोर हो जाता हूं। बाकी आपको इसका प्राइस जानना है तो वो आपको अक्षय भाई बताएंगे, यहां आप आओगे तो यहां पे आपको ये मिल जाएंगे। बेंटली से तो हम वापस निकल चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं अपने दूसरे काम पे। दिल से मैं हमेशा एक बाइकर ही हूँ, प्लान तो है मेरा लेने का, बाइक का बड़ा मन करता है मेरा। एक आंख से देख रही है मेरी थार, तो उसके कवर हैं वो बनवाने हैं मुझे, तो अभी बस मैं वो कवर बनवाने जा रहा हूँ। साइज हमने दे दिया शिवम भाई को, है शिवम भाई बन जाएगा अभी? बन जाएगा। तो एक ये कवर रख लो आप, ताकि थोड़ा साइज का आइडिया हो जाएगा एग्जैक्ट, है ना। चलो कोई नहीं, बस ये है कि हमारा चलान ना कट जाए अब, ठीक है। अच्छा है कोई जुगाड़? इसको कवर करना बहुत जरूरी है, तो अभी देखते हैं क्या जुगाड़ करने वाले हैं। शिवम भाई बड़ा पक्का काम कह रहे हैं, कह रहे ये आपकी लाइट नहीं दिखेगी और ना ही आपका चलान कटेगा। लो जी अब काटो हमारा चलान है, चल जाएंगे। नहीं जाएंगे, बताओ क्या बंदा। अभी नहीं होगा, 1 घंटे बाद होगा। 1 घंटे के बाद ही चाहिए, बंदा जाएगा। मेरे को लगा भाई शायद मेरे से मिलने के लिए पीछे, उनको देख के हंसा और वो हंसे नहीं, बाइक की बेइज्जती हो गई। चलान से बचने की निंजा टेक्निक, अब पता नहीं अगर इसके लगे भी चलान कट गया तो निंजा टेक्निक हमारी फेल हो जाएगी ना। शिवम भाई उतर तो जाएगी बाद में, चल लगा रहे थे ऐसे ही, कवर वाला काम कैंसिल ही कर देते हैं नहीं तो। भाई मैं तो सोच रहा हूँ शिवम भाई ने इतना पक्का काम कर दिया है ना, लेकिन चलो कवर तो फिर भी जरूरी चीज है। क्या है कि लाइट कभी कभार यूज करनी भी रहती है यार। किसी के पास ये गाड़ी है, इसका रिव्यू करना है मेरे को कार्निवल का। तो जी अभी जा रहे हैं सिद्रा वाली साइड, क्यों जा रहे हैं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब जैसे अभी नई गाड़ी की बात कर दी और लगभग एक तरह से फाइनल ही है, बस ये शराब के कारण ही मैं रुका हुआ हूं। तो अब क्या है कि मैं नई नई गाड़ियां रोज देख नहीं सकता, नहीं तो चलो वो भी एक कंटेंट अच्छा लगता था, बहाने से हमें भी नई गाड़ी देखने को मिलती थी, लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते थे। अब वैसा कोई सीन है नहीं है, बीच में हमने सोचा कि ट्रिप पे भी जाएंगे लेकिन वो भी कुछ वैसा मैनेज हो नहीं पा रहा है। तो प्लीज बियर विद मी, नेगेटिव कमेंट नहीं करना कि तरुण भाई आज का कुछ भी चल रहा है ये वो। हर एक अच्छी चीज को समय लगता है और उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाला समय बेटर ही होगा। तो शोएब भाई यहीं कहीं पे है, तो उनसे मिलते हैं और देखते हैं जो भी प्लान है हमारे। Hello guys, and this is your favorite cameraman. तो आवाज कैमरामैन की थोड़ी सी बदल गई है। शोभी भाई ऐसे ही तेज घुमाना होता है क्या? शोभी भाई पीछे क्यों बैठे हो? देखो यार जो बड़े लोग होते हैं वो पीछे बैठते हैं। तो ब्रेक से लेकर अपग्रेड कर दिया क्या? नहीं रुकती थी पहले? EBC लगवाया ब्रेक पैड। हाँ पहले नहीं रुकती थी? पहले रुकती थी पर थोड़ी जल्दी रुकी। कल मैंने इनकी कोई स्टोरी देखी, 100 की स्पीड पे गाड़ी रिकॉर्ड करके, मतलब 2 सेकंड में गाड़ी रोक रहे, कह रहे देखो ये हमारे ब्रेक पैड्स का कमाल, ऐसे करते हैं कोई 100 की स्पीड पे ऐसे 2 सेकंड में गाड़ी रोक रहे थे। अब पीछे बैठे को ये बताओ, वो नहीं पता, वो अगर बता दिया सारी वो खराब हो गई। अच्छा तो चलिए कुछ भी बोलो आप, ऑटोमेटिक गाड़ी का जो फील है ना, और ऊपर से वो भी लेजेंडर, वाह। तो सारे मेरे को इतना अमीर बना दो कि मैं एक लेजेंडर खरीद सकूं। इधर सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर नहीं ली जा रही है भाई से। बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन एक चीज से मैं बड़ा खफा हूं, मतलब टोयोटा वालों की ना। मतलब यार देखो गाड़ी भले ही ऑटोमेटिक है लेकिन इसका ये जो पैटर्न है ना ये भी हसल वाला है। देखो ऑटोमेटिक गाड़ी में मतलब नो हसल, इसको भी देखो कितना आपको ऐसे करना पड़ता है, मतलब नहीं तो सीधा होता है आगे पीछे बात खत्म। इसको पहले इधर करके ऐसे करना पड़ता है, तो मतलब ये भी हसल है, ये सीधा होना चाहिए। तो वैसे भी इस बारे में पूछेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। तो इसमें क्या है, ब्रेक पैड्स इन्होंने चेंज किए हैं लेकिन ब्रेक पैड्स तो अंदर डलते हैं तो वो दिखेगा नहीं कि कहाँ चेंज हुए और क्या हुआ ना। तो ये हमारे शान भाई, ये क्या किया है? ये गिर गया मैं। ये एक्चुअली जब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिला था तब भी इनको प्लास्टर लगा था, उसके बाद इनको अंदर रॉड डली तो फिर वो रॉड निकली, तो इनको ना रेस्ट नहीं है। डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला ना आपको, तो ये क्या, व्हाट इज दिस रेस्ट? नहीं वो बट ब्रेक पैड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो गाड़ी एक दिन नहीं चलाएंगे? अभी मेरे को लग गए हैं 6 स्टिचेस, लगना एक ही था, डॉक्टर ने बोला था एक ही लगना, क्योंकि इन्होंने उसको इतना ज्यादा हिलाया कि इनकी रॉड जो थी वो थोड़ी सी मिसप्लेस हो गई, वो ढूंढने के चक्कर में एक ही जगह 6 लग गई। चलो कोई नहीं, सारे मैसेज कमेंट कर दो सून रिकवरी जल्दी, और इनको बोलो कि रेस्ट करो। सब लोग यहीं पे बैठे हुए थे, गपशप चल रही थी। तो एक्चुअली मैं अपनी थार बेचने के बारे में, मतलब सुई भाई अभी गाड़ी देखने के लिए आ रहे हैं, डील हमारी बनेगी नहीं बनेगी पता नहीं, मैं बेचूंगा नहीं बेचूंगा, बट हाँ वो गाड़ी देखने तो आ रहे हैं।
तो बस अभी मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ जी। ये गाड़ी आ चुकी है तो पोलो है। आज हमारे सादिक भाई का बर्थडे, इधर आओ साइड पे। क्या हाल चाल है? कितने साल के हो गए? 47। क्या बोला तूने? 47। दो चार दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर प्रॉपर 47 का हो चुका हूं। अच्छा। जेड़ा भाई से मतलब जब और यहां पे जेड़ा सर क्या हाल चाल है? जेड़ा भाई से मैं मतलब 3 साल ही बड़ा हूं, मतलब जेड़ा भाई अगर क्या बात है। सादिक भाई कह रहे हैं कि गरीब को देना है, ये कह रहे हैं उनके मुंह पे लगा रहे हैं। इधर क्या मसला हो गया भाई? उधर क्या देखेंगे? तो जी फाइनली घर पहुंच चुके हैं और आज का दिन भी आपने देखा ही है, कुछ कैजुअल सा ही है। तो बस इसी के साथ ख़त्म होता है आज का दिन, और प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। तो बोलता रहता हूं मैं कि 400K करवा दो। फिर अगर व्लॉग्स उतने इंटरेस्टिंग और उतने मज़ेदार नहीं बन पा रहे तो सॉरी है। मिलते हैं आपसे कल फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। ठीक है, हाथ नहीं छोड़ना।